नमस्कार, मैं अमरिंद्र किशोर। आप देख रहे हैं टीडीसी की खास पेशकश बात मीडिया की। आज हमारे साथ हैं हिंदी के पत्रकार, संपादक, चिंतक, राजनयिक मामलों के जानकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। चर्चा में बने रहना डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को आता है, आप चर्चित रहते हैं। मैं तो कभी जानबूझ के मैंने कोशिश नहीं की कि मैं चर्चा में रहूं, क्योंकि चर्चा में रहना और नहीं रहना मेरे लिए करीब करीब एक बराबर है। चर्चा में रहूं तो मुझे क्या फ़ायदा है और चर्चा में न रहूं तो मुझे क्या नुकसान है। लोगों पर ये होता है कि वो मुझे कई बार चर्चा में ले आते हैं, कई बार कोई पूछता ही नहीं है। आज की तारीख में जब बच्चों को आप देखते हैं कि वो उन्होंने स्नातक किया, ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने किसी मीडिया संस्थान को ज्वाइन किया और वहाँ से निकलकर सीधे वो माइक पकड़ना चाहते हैं, सीधे वो स्क्रीन पे आना चाहते हैं। लिखना बहुत कम ही लोग चाहते हैं, कम ही बच्चे चाहते हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि वो लिखना जानते भी नहीं हैं। हाँ। कि आखिर में गलती हुई कहाँ से? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि तुरंत परिणाम प्राप्त करने की इच्छा, इंस्टेंट जो करना चाहिए, तुरंत फायदा होना चाहिए। वो जिसको विनोबा भावे कहा करते थे, कातिया और ले उड़े, कि धोती बनाने के लिए कताई काफ़ी करना पड़ती है, वो उतनी देर कौन इंतज़ार करेगा। एक वो गुत्थी काटी और ले उड़े कि धोती बनाओ इसकी। तो कातिया और ले उड़े की जो पद्धति आजकल चल रही है उसमें पत्रकारिता ही नहीं, ये पत्रकारिता नहीं, सारे क्षेत्रों में सब में यही हो रहा है। सर, आप भाषा में जब संपादक थे तो आपसे पहली मुलाकात हुई थी और एक बड़ी अच्छी बात आपने कही थी, सबके सामने बताया था, मैं संपादक जैसे गंभीर पद पे मैं जरूर हूँ लेकिन मुझे बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो वहाँ के युवा थे, आपके संस्थान में नौकरी कर रहे थे। आपने कहा कि सब पे नजर रखनी पड़ती है कि कहीं वो भावावेश में आके कहीं कुछ लिख तो नहीं दें। ये एक संपादक की संवेदनशीलता है, क्या वैसी कोई संवेदनशीलता आज की तारीख में संपादक के पास है या वो महज मालिक का एक एजेंट बन गया है? बहुत कम संपादक हैं, जैसे कि बहुत कम नेता होते हैं, निजी स्वार्थ छोड़कर निष्पक्ष बात कहने की हिम्मत करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। सबको अपनी नौकरी का डर लगा रहता है, सबको ये रहता है कि ठकुर सुहाती बात कहें, जो बात ऊपर वालों को अच्छी लगे वो करना चाहिए। गुस्सा में नहीं देखा, आक्रोश में। हम लोगों ने भी गलती की, यदि आपके साथ काम करते तो आपने बहुत ही प्यार से समझाया। सार्वजनिक तौर से मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। खास तौर से एक टीवी चैनल ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने पैदा किया कि बाद में डॉक्टर वैदिक कहते हैं कि कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाओ। आपने वो सफाई दी थी और कहा था कि मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही है, कश्मीर का को अलग राष्ट्र बनाना पूरे साउथ ईस्ट एशिया या कह लो पूरे इस इलाके में एक बहुत बड़ा महाविनाश की तैयारी होगी और महाविनाश तय है। बिल्कुल। उस समय आपने एक खास एक टीवी चैनल के लिए आपने एक कहा था सबसे गंदा चैनल है कह दिया था और अविश्वसनीय है और उसको चलाने वाला आदमी पतित है, जो आज बहुत बड़ा पत्रकारिता का कलंक है, ये पत्रकारिता का कलंक है, पतित है। और इस आदमी, ये था आपका 15 जुलाई 2014 का आपका स्टेटमेंट था। उस समय आपने कहा कि मैं इस पर मुकदमा कर दूंगा और वो पत्रकार आज की तारीख में सबसे ज्यादा बोलने वाला, सबसे ज्यादा चीखने वाला पत्रकार है। मतलब एक मामूली पत्रकार ऐसा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था लड़का, इसकी हिम्मत नहीं थी कि मेरे कमरे में आ जाए। मैं संपादक था नवभारत टाइम्स, वो मुझे पट्टी पढ़ा रहा है, मुझे राष्ट्रवाद सिखा रहा है। एक कल का छोकरा जी, ये बोले कि तुम देशद्रोही हो, तुमने देश के विरुद्ध जाके काम किया है, तुम पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो, तुम कश्मीर उनको देना चाहते हो। इसका मतलब है कि या तो वो मूर्ख है या जानबूझ के अपनी TRP पाने के लिए हमला कर रहा है। कैसे एक पत्रकार मध्यस्थता की भूमिका में, सकारात्मक मैं कह रहा हूँ, देखिए पत्रकारिता मेरे जीवन का
मुश्किल से आजकल नहीं, पूरे जीवन में जब मैं बहुत सक्रिय रहा उस ज़माने में 10% हिस्सा रहा पत्रकारिता। पत्रकारिता से ज़्यादा मेरा सामाजिक कार्य रहा, इसलिए मेरी भूमिका सिर्फ पत्रकार की मत समझिए। उस समय 1999 में जब हमारा जहाज अपहृत हुआ, मुझे प्रधानमंत्री अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा था। यूनाइटेड नेशंस में मेरे 3 भाषण हुए। वहाँ से लौट के जब मैं आया लंदन, तो मुझे अटल जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा अपना प्लेन हाईजेक हो गया है और कंधार में प्लेन खड़ा है, आप कंधार में किसी को जानते हों या तालिबान या मुजाहिदीन के नेताओं को जानते हों, आप उनको फ़ोन कीजिए। लंदन में उन दिनों पीर गैलानी रहा करते थे। पीर गैलानी को कंधार का पीर कहा जाता है। मैं सुबह सुबह गैलानी साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं वहाँ जो स्थानीय नेता हैं, पख्तून नेता हैं, उनसे बात करता हूँ। उन्होंने वहाँ से तुरंत फ़ोन किया, बात की और उसका असर हुआ। दूसरा, न्यूयॉर्क से अब्दुल हकीम मुजाहिद का मुझे फ़ोन आया। ये अब्दुल हकीम मुजाहिद कौन थे? ये अफ़गान लोगों के न्यूयॉर्क में विशेष राजपूत थे जी। तो अब्दुल हकीम मुजाहिद ने भी उन लोगों से बात की हाईजेकर्स वगैरह से। मेरे ख्याल से 4-5 बजे तक शाम को खबर आ गई कि उन्होंने हमारा प्लेन छोड़ दिया है। तो ये एक मामला नहीं है, जैसे कई मामले हैं कि जिसमें नरसिंह राव जी के समय, अटल जी के समय और राजीव गांधी के समय भी और इंदिरा जी के ज़माने में भी मुझे जो भी कहा जाता था कूटनीतिक असाइनमेंट, वो सब मैं पूरे करता। आप इतने लंबे समय से भारत की पत्रकारिता को देख रहे हैं और हिंदी पत्रकारिता को देख रहे हैं, यदि आपसे कहा जाए कि बहुत संक्षेप में आप बताएं तो क्या क्या अंतर आया है पत्रकारिता में? लोग आजकल लिहाजदारी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मंत्रियों की लिहाजदारी करते हैं, सरकार की लिहाजदारी करते हैं और उठपटांग बातें भी छाप देते हैं, लेकिन पहले लोग लिहाजदारी कम करते थे, प्रभावित कम होते थे। तो सर, ये अच्छी बात है कि लोग लिहाज कर रहे हैं? नहीं, लिहाजदारी में नरम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि इसके लिए लोग बड़ा सख्त शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज भी पत्रकारिता भारत में काफ़ी संतुलित है। ज़्यादातर अखबार, जैसा मैंने आपसे कहा जी, संपादक लोग, पत्रकार लोग, मोटी तनख्वाह वगैरह का लालच बहुत बड़ा है, उसके कारण दब के झुक के लिखते हैं। लेकिन फिर भी देश में ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं है और ऐसे अखबारों की कमी नहीं है कि जो दो टूक बात लिखते हैं, देश हितकारी बात लिखते हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं कौन मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाएगा, कौन प्रधानमंत्री नाराज़ हो जाएगा, ऐसे हैं अखबार। मीडिया हाउसेस जो चलाने वाले, धन पशुओं की संख्या बढ़ गई है। वो तो है, बिल्कुल ठीक है। और उन धन पशुओं का, जिनके हम मालिक कहते हैं, मालिक का एजेंडा चलाने वाले पत्रकार बहुत सारे हो गए। हाँ हाँ, वो पत्रकारिता नहीं करते हैं, वो दलाली करते हैं। वो मालिक की दलाली करते हैं, वो नेताओं के बीच दलाली करते हैं, वो काम धंधे वाले व्यापारियों उद्योगपतियों की दलाली करते हैं। और आप देखें कि जो पत्रकार लोग हैं उनको तनख्वाह कितनी मिलती है। किसी ने फार्म हाउस बना रखा है, किसी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लंदन में, दिल्ली में, जगह जगह खरीद रखी है। कोई ये परिवार से समृद्ध लोग नहीं होते, इनके बेटे पोते कोई इतने प्रतिभाशाली या व्यापारी नहीं होते कि वो अपनी संपत्तियां बना लें। सारे पत्रकार मैं देखता हूँ जिनको नामी गिरामी है, अंधाधुंध संपत्तियां इकट्ठी कर रखी हुई हैं, इसलिए उनको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग रिटायर होते हैं, अपने घर में मजे करते हैं, बैठ जाते हैं। बल्कि मैं उनको कहता हूँ कि वो, संस्कृत में कहावत है, विगत यौवना वेश्याएं, कि जिनका यौवन ढल गया है, ऐसी वेश्याएं विगत यौवना वेश्याओं की तरह हैं, कोई काम नहीं करते, दलाली करते। सर, बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आया है मीडिया में, कि अब देखने में ये आ रहा है कि चाहे वो टीवी चैनल्स हो
या कुछ अखबार हो, कुछ संपादकों के अपने पास जो एक माहौल होता है वो हरम जैसा माहौल होता है, हरम जैसा माहौल होता है। उनकी कई प्रेमिकाएं होती हैं, और इसके दूसरे शब्दों में देखें प्रतिभाएं रह जाती हैं और कुछ रूप जीवाएं, क्या बात, वो आगे बढ़ जाती हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? मुझे बहुत अंदरूनी बात का पता नहीं है, लेकिन ये बात मैंने और कई लोगों के मुंह से सुनी है, और कई पत्रकार बहनों ने मुझे शिकायत भी की है, फला आदमी ऐसे हैं, फला आदमी का छोड़िए, आप रिज़ाइन कीजिए, आप क्यों जाती हैं। आजकल अखबारों में न मालिक लोग इस बात की परवाह करते हैं, न संपादक लोग इस बात की परवाह करते हैं, न टीवी हेड्स इस बात की परवाह करते हैं। इसलिए हम चैनलों में भी ये बात सुनते रहते हैं, अखबारों में भी ये बात सुनते रहते हैं। सदाचार की कोई कीमत ही नहीं है वहाँ। जैसे राजनीति में पूरा भ्रष्टाचार चलता है, ऐसा पत्रकारिता में चल रहा है। डॉक्टर वैदिक, आप हमारे साथ आए और इतनी सारी बातों पर आपने बातें की, इतने सारे मुद्दों पर आपने बातें की, और पत्रकारिता के पुराने दिनों को याद किया, पत्रकारिता के आदर्श की बात आपने की, लोगों को बताया कि पत्रकारिता कैसे होती है और पत्रकारिता वास्तव में है क्या, और सत्ता और समाज से पत्रकारिता का कैसा सामंजस्य है। आप हमारे पास इतनी देर रहे, हमारे साथ इतनी देर रहे, बहुत अच्छा लगा, और TDC की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। तो हमारे साथ थे हिंदी पत्रकारिता के गौरव स्तंभ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जिन्होंने बताया कि आखिर में पत्रकारिता, पत्रकार की अपनी औकात क्या है, उसका अपना अस्तित्व क्या है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बताएं, और यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, और अपने मित्र को भी बताएं कि मीडिया के अंदर की बातें क्या हैं। अगले हफ्ते फिर से इसी तरह किसी एक और शख्सियत के साथ हम आएंगे और जानेंगे बातें मीडिया की।